नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग। और आज मैं फिर से आपके लिए एक फेरी गार्डन लाया हूँ जो मैंने बनाया था। आसपास 1-2 साल हो गए। आज हम इसे बिल्कुल साफ सफाई करेंगे इसकी, और डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, उसको फिर से चमकदार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जितनी मूर्तियाँ हैं हम उससे निकाल लेते हैं। और मेरा उसमें मैंने वॉल कंपाउंड के लिए आइसक्रीम स्टिक लगाई थी, वो स्टिक भी ख़राब हो गई है। वो स्टिक भी पूरी निकाल लूँगा और नई स्टिक लगाऊँगा। आप वो देखिएगा, स्टिक बहुत ही अच्छी है। और पॉट जो है हमारा, पॉट मिट्टी का है, तो उसको पानी डाल डाल के उसके ऊपर रश पकड़ लिया है। तो उसके हम साइन पेपर से साफ करके पेंटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पेंटिंग के लिए मैंने क्रीम कलर यूज़ किया है। तो हम पहले पूरा पेंटिंग कर लेते हैं पॉट की। देख सकते हैं हमारा पूरा पेंट हो गया है। अब इसके ऊपर हम एक्रेलिक कलर जो होता है उससे कुछ डिज़ाइन करेंगे, जिससे ये पॉट बिल्कुल चमक के दिखेगा। तो हमने पिछले बार वॉल कंपाउंड के लिए आइसक्रीम स्टिक यूज़ की थी, इस बार हम ये पीवीसी शीट यूज़ करेंगे जो फर्नीचर के ऊपर लगाई जाती है, फोरमाइका कहते हैं। इसके हम छोटी छोटी पट्टियाँ काटेंगे। देख सकते हैं हमने पूरी पट्टियाँ काट दी है। अब उसको थोड़ा सा लुक देने के लिए ऊपर का एरिया जो है हम उसे थोड़ा कट कर लेते हैं, कॉर्नर कॉर्नर, यानी वो थोड़ा सा वॉल कंपाउंड जैसे दिखना चाहिए। इस माइका के ऊपर में एक प्लास्टिक की पन्नी भी लगी रहती है, हम उस पन्नी को निकालेंगे तो और ये पट्टी ज़्यादा शाइनिंग देने लगेगी। और अब हमें इससे भी और अच्छा कुछ दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पट्टी का ऊपरी हिस्सा जो था इतना था, उस इतने हिस्से पे आप कोई भी लाइट कलर उस पर लगाइए, शेड दे दीजिए, और ये उठ के दिखेगा और प्यारा दिखेगा। इसमें आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉट के कलरिंग की तरफ। तो हम इसमें ऊपरी हिस्से में रेड कलर की जो बॉर्डर है, बॉर्डर देंगे, जिससे ये पॉट और अच्छा सा उठ के दिखेगा। देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है ये पॉट। जो प्लांट की हमारे एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उसको हम कट करेंगे। पॉट में हमने जितने भी चीनी माती के हाउस बोलिए या मॉडल बोलिए रखे थे, वो सभी को हम फिर से वहीं पर रख देंगे। देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत ही अच्छे हाउस है वहाँ पर। तो उसके बाद ये और अच्छा निखर के आएगा। उसके बाद में हम पीवीसी पट्टी की जो शीट थी हमने जिसपे ऊपर कलर किया था वॉल कंपाउंड के लिए, उसको हम लगाएंगे। 1 बाय 1 सभी को यूज़ करेंगे उस पर। देख सकते हैं कितना प्यारा वॉल कंपाउंड दिख रहा है। तो देखिए हमारा फेरी गार्डन बिल्कुल रेडी हो गया है। पॉट भी बिल्कुल चमक के दिख रहा है। आप वॉल कंपाउंड देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और हमने जिस इस साइड में स्टेप दिए हैं, स्टेप के बाद मकान है, मकान भी उठ के दिख रहा है और थोड़ा पॉच दिख रहा है अच्छा सा। तो बहुत ही प्यारा फेरी गार्डन लग रहा है। तो आप भी ऐसा फेरी गार्डन अपने घर में बनाइए। देख सकते हैं 2 डक भी है वहाँ पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।